सर ठीक है ना? सो इट मे बी, चलिए ठीक है, ओके थैंक यू है ना? ओके, सो जस्ट अ मिनट, लेट मी कम टू द पॉइंट। इज द स्क्रीन विजिबल? जस्ट अ मिनट, है ना? आज सुबह से दे आर वर्किंग ऑन द सम अपडेशन टास्क, इट माइट बी थोड़ा सा इश्यू आ रहा था, ठीक है? वेल, सो अभी रिजॉल्व हो गया है, तो विल कंटिन्यू, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। एंड दोज हु वर नॉट एबल टू ज्वाइन, है ना, सो उन लोगों के लिए भी हम कल से इस पे एक बार रिवीजन पे ले लेंगे, ठीक है? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू ज्वाइन नाउ, ठीक है? चलिए, यस, प्रज्ञा भूमिया, आवाज आ रही है? यस ओके, ठीक है ना? सो नाउ इज द स्क्रीन विजिबल ऑल्सो? यस सर यस सर सो यस्टरडे वी आर सपोज टू स्टार्ट विद दिस सेक्शन, है ना? कल हम ये वाला सेक्शन क्या कर रहे थे? शुरू कर रहे थे। सेक्शन क्या था? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया? कौन सा सेक्शन था? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया? ठीक, अभी इसमें क्या था? देर आर थ्री डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स इन अवर कंट्री। हमारे कंट्री में कितने लेवल ऑफ कोर्ट है बेटा? थ्री थ्री लेवल ऑफ कोर्ट, ठीक है? देर आर सेवरल कोर्ट एट द लोअर लेवल, वाइल देर इज ओनली वन कोर्ट एट द अपेक्स लेवल। ठीक, लोअर लेवल पर बहुत सारे कोर्ट हैं, ठीक, और एपेक्स मतलब टॉप पर एक कोर्ट होगा। द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है? जो मैक्सिमम कोर्ट है, ठीक है? सो देर आर सेवरल कोर्ट एट द लोअर लेवल। लोअर लेवल पर क्या है? बहुत सारे कोर्ट हैं, और एपेक्स लेवल यानी टॉप पर कितना है? एक सिंगल कोर्ट। यहां तक बात आई समझ में शाविनी? यस सर ठीक। सो द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर व्हाट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी सबसे ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा कौन से कोर्ट को फेस करना पड़ता है? विच कोर्ट द पीपल हैव टू फेस मोस्ट? दे हैव टू फेस द सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहां तक बात आई समझ में? दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल और समटाइम्स इन टाउन्स, एंड दे हेयर मैनी काइंड्स ऑफ केसेस। ये जो कोर्ट है, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो लोअर लेवल पर कोर्ट है, तो ये कोर्ट मोस्टली कहाँ होते हैं? डिस्ट्रिक्ट पे, तहसील लेवल पर, या बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज में, है ना? जैसे हम यहां से जब कहाँ जाते हैं, चंद्रपुर जाते हैं, तो राजूरा में एक कोर्ट मिलेगा, ठीक है? चंद्रपुर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो चंद्रपुर में भी क्या है? कोर्ट्स हैं, ठीक? और अलग अलग लेवल के वहां पर क्या होते हैं? जजेस होते हैं, ठीक है? यहां तक बात आई समझ में? यस सर नाउ यस सर ईच स्टेट
इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, है ना। जो हर एक राज्य है कंट्री का, जो हर एक स्टेट है, वो स्टेट किसमें डिवाइडेड है? द स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, द स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। जो स्टेट्स है वो किसमें डिवाइडेड है? नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। इतनी बात है। नाउ दीज डिस्ट्रिक्ट कोड आर प्रिसाइडेड ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट जज। अब इसका मतलब क्या है? आपने कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुना है? कलेक्टर सुना है? यस सर। यस सर। अच्छा, आपने एसपी सुना है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, चंद्रपुर जिले के? वेरी गुड। अब तो ये बताओ, एसपी जो है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट से होते हैं, एजुकेशन से होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से होते हैं, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट से होते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट। ये बताओ कि चंद्रपुर जिले में पुलिस डिपार्टमेंट में अकेले एसपी हैं या और भी बहुत सारे कर्मचारी हैं? और भी बहुत सारे। और पुलिस डिपार्टमेंट में, चंद्रपुर जिले के पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे पुलिस एम्प्लॉयज हैं, और इन सारे पुलिस एम्प्लॉयज के टॉप मोस्ट बॉस, उस डिस्ट्रिक्ट के टॉप मोस्ट बॉस कौन है? इतने सारे पुलिस में जो कर्मचारी हैं, है ना, पुलिस कांस्टेबल हैं, थानेदार हैं, तो इन सभी के टॉप मोस्ट बॉस कौन होंगे डिस्ट्रिक्ट में? कलेक्टर। कलेक्टर। एसपी। पुलिस डिपार्टमेंट के बॉस कौन है? एसपी। एसपी। समझ में आया? पुलिस डिपार्टमेंट के बॉस पुलिस डिपार्टमेंट के बॉस कौन होंगे? एसपी। 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 ठीक है। इसी तरीके से जब डिस्ट्रिक्ट में, जिले के अंदर कोर्ट होती है ना, अदालतें होती हैं, तो उन अदालतों में बहुत सारे जजेस होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अदालतें हैं, जो कोर्ट है, कोर्ट में बहुत सारे जजेस होते हैं, और उन बहुत सारे जजेस में से एक जज उन सभी के बॉस या टॉप मोस्ट होते हैं। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत सारे जजेस हैं, कोर्ट का जो सिस्टम है, उनके बॉस टॉप मोस्ट लेवल पर कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट जज होंगे। कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज। यहां तक बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। ईच स्टेट हैज ए हाई कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। ईच स्टेट हैज ए हाई कोर्ट। अब हर एक स्टेट में, एक स्टेट में क्या होता है? हाई कोर्ट। वन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। Which is the highest court of that state? और वो जो high court है, वो उस state का क्या होगा? Highest court होगा। यानी सबसे top level पर जो court है, वो कौन सा होगा? Supreme court। Supreme court। अब पढ़ पड़ेगा कीजिए। अभी हम state की बात कर रहे हैं। High court। किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट में सबसे टॉप लेवल पर कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। ठीक ना। एट द टॉप
इज सुप्रीम कोर्ट. अब टॉप का मतलब कंट्री में, तो हमारे कंट्री में सबसे टॉप पर कौन सा कोर्ट होगा? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट. नाउ दिस सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? न्यू दिल्ली. सो द सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड इन दिल्ली एंड इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है. सो सबसे टॉप पर, सबसे टॉप लेवल पर कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट. ओके. एंड इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. यानी इस सुप्रीम कोर्ट के सबसे टॉप मोस्ट बॉस को क्या कहते हैं? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक. अब एक प्रकार से देखा जाए तो लोअर लेवल से शुरू होकर के टॉप लेवल पर, यानी इंडिया का, हमारे पूरे हिंदुस्तान में, हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे टॉप लेवल पर, हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे टॉप लेवल पर क्या है, सबसे टॉप लेवल पर जो कोर्ट है, ठीक है, तो हमारे इंडिया के, हमारे इंडिया के इस पूरे जुडिशियल सिस्टम के बॉस कौन कहलाएंगे? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. यानी कंट्री में जितने भी जजेस हैं, जितना भी कोर्ट का पूरा सिस्टम है, उन सभी के बॉस कौन है? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. समझ में? यस सर. यस. ठीक है. नाउ द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट इन इंडिया. अब इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगी वो जजमेंट बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स इन इंडिया. यानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नीचे की सारी कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा. इतनी बात आई समझ में? अर्पिता गुजर. अर्पिता गुजर. यस सर. इतना आया समझ? यस सर. गुड. सो द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स फ्रॉम द lower to the highest level is such that it resembles a pyramid. ठीक है. तो जो courts हैं, जो अदालतें हैं, उनका structure, यानी हमारे country में जो अदालतें हैं, वो इस प्रकार से system बना है. इसका क्या होता है कि structure pyramid जैसा बनता है. यानी यहाँ पर lower level of court है, उसके बाद में हाई कोर्ट है, और उसके बाद में क्या है? सुप्रीम कोर्ट. क्या है? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट. क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? यस सर. यस सर. जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू कि आर these different level of courts connected to each other. yani kya ye alag alag level of court hai na. to humne three level of court discuss kiye. how many level of courts we have discussed? three level of courts. abo three level kaun se hain?
ये जो पहला लोअर लेवल है ये क्या कहलाता है? डिस्ट्रिक्ट सब कॉर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये कहलाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना? फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिस्टम। फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब हर एक राज्य में, एक राज्य में क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा, एक हाई कोर्ट। यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। यस सर। इसके ऊपर टॉप पर, इसके ऊपर टॉप पर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तक बात आई समझ? यस सर। यस सर। There is a district court, there is a district court, then after high court and then after supreme court. इतनी बात आई समझ? Yes sir. Yes sir. चलिए, yes sir. अब हमारा जो next section है, जो अगला हम start कर रहे हैं, वो related क्या है? कि आर दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी क्या ये जो तीनों लेवल ऑफ कोर्ट हैं इनमें कोई आपस में कनेक्शन है? ठीक है, सो यस देयर इज ए कनेक्शन। तीनों लेवल ऑफ कोर्ट में क्या होता है? कनेक्शन होता है। कनेक्शन का मतलब वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हमारे हिंदुस्तान में जो जुडिशियल सिस्टम है, न्याय व्यवस्था है, वो कैसा है? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। जुडिशियल सिस्टम कैसा है बेटा? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड एक दूसरे से क्या है? जुड़ा है, कनेक्टेड है। यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। यस सर। ओके, सो इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हिंदुस्तान में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। अब इसका मतलब क्या? इट मींस दैट द डिसीजंस मेड बाय हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। इसका मतलब क्या है? इस इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का क्या मीनिंग है? सो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मीनिंग ये है कि डिसीजंस मेड बाय हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। यानी हायर कोर्ट, ऊपर के लेवल के कोर्ट ने यदि किसी केस में कोई डिसीजन दे दिया तो वो डिसीजन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? लोअर कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो मान लो कोई दो पर्सन है। कौन कौन से? एक है पर्सन ए और एक है पर्सन बी, है ना? अभी इस इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मीनिंग क्या है इसको ध्यान से समझना। मान लो इन दो व्यक्तियों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया। क्या हो गया बेटा? डिस्प्यूट। क्या हुआ? डिस्प्यूट। कोई झगड़ा है, केस लग गया। अब इन दोनों व्यक्तियों के बीच में, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, कोई झगड़ा है। ठीक, तो उनके बीच में ये जो झगड़ा है, ये जो विवाद है ना, उनका केस कहां पर लगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला। यानी कहां पर उनका मुकदमा चल रहा है? चंद्रपुर में। कहां चल रहा है? चंद्रपुर में। चंद्रपुर। इतनी बात आई समझ में? यस सर। दो व्यक्तियों के बीच में एक केस चल रहा है,
और वो केस या मुकदमा चंद्रपुर में रन हो रहा। अब चंद्रपुर की जो अदालत है उसने केस किसके फेवर में दिया, ए के। किसके फेवर में? ए ए ए जो पर्सन ए है उसके फेवर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ चंद्रपुर से क्या आ गया, डिसीजन आ गया कि केस कौन जीत गया, मिस्टर ए केस जीत गया। ठीक, अब मिस्टर बी केस हार गए हैं, मिस्टर बी या पर्सन बी केस हार गए, तो पर्सन बी जो है वो इस केस से, इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, नहीं है। मिस्टर बी इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो मिस्टर बी क्या करेंगे, मिस्टर बी जो है उस राज्य के हाई कोर्ट में अपना केस लगा सकते हैं। मिस्टर बी कहां अपील करेंगे? हाई कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस निकल करके कहां चला गया, हाई कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस निकल करके कहां चला गया, हाई कोर्ट। यहां तक बात आई समझ में? अब हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। अब हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इन्होंने पूरा केस सुना, और पूरा केस सुनने के बाद में हाई कोर्ट के जजेस को लगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस ने फैसला गलत दिया है, तो अब की बार हाई कोर्ट ने डिसीजन किसके फेवर में दे दिया, पर्सन बी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने पर्सन ए के फेवर में जजमेंट दिया था और हाई कोर्ट के जज ने पर्सन बी के फेवर में जजमेंट दिया, तो ये बताओ कि कौन सा जजमेंट एप्लीकेबल होगा? सर बोथ विल बी नॉन एप्लीकेबल बिकॉज बोथ आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वेरी गुड, अभी इसका मतलब क्या है कि इस केस में बोथ आर नॉट एप्लीकेबल नहीं होगा, कौन सा जजमेंट फाइनल माना जाएगा, हाई कोर्ट वाला। यानी लोअर कोर्ट, लोअर लेवल की कोर्ट का जो जजमेंट है वो किसके जजमेंट से कैंसिल हो जाएगा, अपर लेवल की कोर्ट के जजमेंट से कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। अब की बार पर्सन ए किससे सेटिस्फाइड नहीं है, हाई कोर्ट डिसीजन। पर्सन ए जो है वो हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है। समझ में आई बात? पर्सन ए अब अपना केस कहां लेकर के जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। अब वो केस कहां पर चला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रन होगा। वह केस किस में रन होगा, सुप्रीम कोर्ट। अब यदि सुप्रीम कोर्ट फिर से किसके फेवर में, बी के फेवर में जजमेंट दे देती है, किसके फेवर में, पर्सन बी। तो ये जजमेंट है ये क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर और कोई अदालत
नहीं है नहीं नहीं है ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यदि ऊपर के लेवल की कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया उसी केस में, तो नीचे की लेवल के कोर्ट के डिसीजन ऑलरेडी क्या हो जाएंगे? कैंसिल, मतलब जीरो हो जाएंगे। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब यस सर, इतना जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल के जरिए समझाया, इसी चीज को यहाँ पर इस लैंग्वेज में लिखा गया है। जितना मैंने आप लोगों को इस एग्जाम्पल के जरिए समझाया, वही बात यहाँ इस लैंग्वेज में लिखी हुई। क्या लिखा है? ऐसी मोबाइल बेटा टाइम से अपना माइक बंद कर दिया करो। ठीक। सो इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, यानी क्या है? द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। हायर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो लोअर कोर्ट पर एप्लीकेबल है। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि हायर कोर्ट का जो डिसीजन है उसके कारण लोअर कोर्ट का डिसीजन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यानी इसका मतलब ये है कि इस इंटीग्रेशन में क्या होता है? अपीलेट सिस्टम होता है। अपीलेट मतलब अ पर्सन कैन अपील टू ए हायर कोर्ट। एक व्यक्ति अपने केस की अपील हायर कोर्ट में लगा देगा इफ दे बिलीव दैट जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। यदि उसको लगता है कि लोअर कोर्ट का डिसीजन सही नहीं है, यदि व्यक्ति को लगता है कि लोअर कोर्ट का डिसीजन करेक्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा? हायर कोर्ट में अपना केस ले जाएगा। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। यस सर। इट इज 9:33 स्टूडेंट्स, सो इट इज अ टाइम फॉर द नेक्स्ट क्लास। वी आर फोर्स्ड ओके टू बाइंड अप द टुडे सेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।